धूप से देखिए कैसा जल गया है, इतना ज़्यादा धूप पड़ रहा है कि हम लोग का ये फूल तक जल जा रहा है। अभी तो थोड़ा तो इधर हम लोग का इतना ज़्यादा फूल खिला है, पूरा पत्ता से ज़्यादा फूल आया है। दिखाने से पहले देखिए यहाँ हम लोग का अपराजिता पौधा, जिसमें कितना सुंदर सुंदर फूल खिला हुआ है बहुत। हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए ब्लॉग वीडियो में। तो आप सब कैसे हैं, आशा करते हैं कि ठीक हैं। तो चलिए फिर आज क्या क्या किए आप सभी को तो नहीं दिखा सकते हैं। सब काम ख़त्म करने के बाद मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। सुबह दोपहर लगभग शाम का भी काम ख़त्म होने के बाद वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। तो चलिए फिर चलते हैं छत और देखते हैं आज कौन कौन सा फूल खिला है। आजकल ये सुबह में मेरी बेटी ही गमला में पानी डाल देती है, तो सुबह सुबह मैं नहीं जा रही हूँ, गर्मी छुट्टी हो गया है, तो इसी का थोड़ा सा हमको आराम मिला है। वैसे मेरे हस्बैंड भी डाल देते हैं ये पानी गमला में, तो सुबह का मुझे टेंशन नहीं रहता है, बस शाम में भी। तो चलिए फिर चलते हैं, हम लोग का टेरेस गार्डन कैसा है आज इतना चिलचिलाती धूप में, कैसा है हम लोग का गमला, कौन कौन किसका किसका पत्ता सूखा। तो चलिए फिर चलते हैं छत जल्दी से। तो गाइस आज बाहर का नज़ारा कुछ इस प्रकार है। ये आज बादल किया हुआ है सभी तरफ, पूरा घना काला बादल हुआ है, और हम लोग का तरफ तो वैसे भी पेड़ पौधा चारों तरफ से भरा पड़ा है, तो गर्मी फिर भी बहुत लगता है इतना पेड़ पौधा होने के बाद भी। बहुत ही ज़्यादा हम लोग का तरफ पेड़ पौधा है, और जब भी हवा आता है तब एक ना एक पेड़ पौधा टूट ही जाता है। और आज का बाहर का मौसम काफ़ी प्यारा है। चलते हैं छत जल्दी से, इतना सुंदर सुंदर फूल खिला हुआ है, बहुत ज़्यादा फूल खिला हुआ है। छोटा सा पौधा है ये, ऐसे लग गया है, लगाए नहीं है, जहाँ भी झड़ता है इसका बीज वहीं पे पौधा बन जाता है, और फूल तो हमेशा खिलते रहता है। देखिए गर्मी में भी इतना अच्छा फूल खिला हुआ है। हम बाकी इधर का पेड़ सब कट गया है, कल कटहल पेड़ कट गया है, उसी ज़्यादा इधर फैला हुआ था, तो थोड़ा सा खाली खाली लग रहा है। चलिए चलते हैं छत। तो देखिए आज हम लोग का टेरेस गार्डन में इतना सारा फूल खिला हुआ है कि देख के दिल गार्डन गार्डन हो गया। सोचे नहीं थे कि इतना गर्मी में भी इतना ज़्यादा हम लोग का फूल लाएगा, लेकिन इस बार ही हम लोग का इतना ज़्यादा फूल आ रहा है। हर बार उतना फूल नहीं आता था जितना इस बार आ रहा है। तो चलिए फिर आप सभी को मैं बैक कैमरा से दिखाती हूँ। देखिए सबसे पहले यहाँ हम लोग का टेरेस गार्डन का ये सदाबहार पौधा, जो इसको मैं थोड़ा दिन पहले ही इसमें लगाई थी, लेकिन इसमें भी फूल कितना सारा आता है, मतलब इसका फूल बहुत खिलते रहता है। यहाँ वाइट कलर का भी है और ये पिंक कलर का है, जो दिखने में बहुत प्यारा लगता है। हम लोग का पुराना पौधा में अपराजिता में एक भी फ्लावर आज नहीं आया है, पता नहीं काहे नहीं आया है, इसका गर्मी से इसका देखिए ये इसका कली ही सूख जा रहा है, इतना ज़्यादा गर्मी पड़ रहा है, तो इसी के चलते खिल नहीं रहा है। और इधर हम लोग का नया पौधा सब में फूल खिला हुआ है, अंदर अंदर खिला हुआ है, देखिए पता नहीं आप सभी को दिख रहा है या नहीं, लेकिन अंदर अंदर और ही खिला है, और पुराना पौधा सब में फूल नहीं आ रहा है अभी। और हम लोग का ये तुलसी का मंजरी भी इतना ज़्यादा हो गया है, इसको भी काटना होगा। देखिए वहाँ पे चिड़िया लोग का लड़ाई हो रहा है, हम देखे कहाँ से आवाज़ आ रहा है, तो दिखा तो फिर आप सभी को मैं दिखा रही हूँ, अभी तो कहाँ चल गई। तो इधर हम लोग का इतना ज़्यादा फूल खिला है, पूरा
पत्ता से ज़्यादा फूल आया है। देखिए इतना ज़्यादा फूल खिला है हम लोग का टेरेस गार्डन में। ये अड़हुल का पिंक कलर का कि देख के दिल गार्डन गार्डन हो गया। इधर जितना पता नहीं है उससे ज़्यादा हम लोग का टेरेस गार्डन में फूल खिला है। जिधर देखिए उधर फूल से ही भरा है, इसका पत्ता भी सब गर्मी के चलते झड़ जा रहा है बहुत। ये कली भी झड़ जा रहा है गर्मी। और इधर है हम लोग का ये न्यू पौधा अपराजिता जो इतना सारा फूल खिला हुआ है आज। और इधर है हम लोग का अड़हुल फ्लावर जो बहुत प्यारा लगता है। ये धूप से देखिए कैसा जल गया है, इतना ज़्यादा धूप पड़ रहा है कि हम लोग का ये फूल तक जल जा रहा है। अभी तो थोड़ा मौसम ठीक है। इधर भी देखिए कितना जल गया है सबसे प्यारा। जिधर से भी देखिए हम लोग का ये पिंक कलर का फूल ही अच्छा दिखता है, इतना ज़्यादा खिला है कि हम। बाकी इसमें ये भी अड़हुल का ही पौधा ये फूल है जो आज इतना सा खिला हुआ, इसमें भी फूल खिला हुआ है जो बहुत प्यारा लग रहा है। और इसका पौधा देखिए दूर से अड़हुल का पौधा का सभी पत्ता येलो हो गया है। इसमें गमला में भी पानी नहीं सूखता है फिर भी इधर फिर खिलेगा। और इधर फिर गुलाब का सुंदर सुंदर फूल हम लोग का टेरेस गार्डन में खिला हुआ है। और इधर है येलो कलर का रोज जो बहुत प्यारा लग रहा है, ये भी बहुत प्यारा लगता है लेकिन इस बार गर्मी के चलते उतना अच्छा नहीं आया, छोटा छोटा फूल आया है। सब सभी को मैं हम लोग का टेरेस गार्डन में ये कितना सब फूल खिला है कैसा हुआ है आज का, तो मैं रोज दिन का आप सभी को ऐसे ही अपडेट देते रहती हूँ। तो आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरा चैनल मंजू सुमंत ब्लॉग आप सभी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।